नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड बीपीएससी विद के। आज है 30 जून 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दोस्तों आज का। आज के इस करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जल संरक्षण पर एक गीत गाया गया है दोस्तों, तो इसके गीतकार कौन है आप यहाँ पर देख रहे होंगे इनकी तस्वीर, इनका नाम हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ यह भी देखेंगे किस जिले से यह संबंधित है, और यह देख रहे होंगे आप इस जो गीत गाया गया है जल संरक्षण से संबंधित, इसकी सीडी का विमोचन किसने किया गया है दोस्तों, तो यह भी हमें देखना है किसके द्वारा गया। और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आज के इस करंट अफेयर में देखेंगे, जैसे कि वर्तमान में कोरोना के मामलों को लेकर मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आज के इस करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माई टेलीग्राम चैनल। देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जो पीडीएफ आपको मिलेगी वह फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इवनिंग में आपको प्राप्त होगी, और उसका किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर बिना समय गवाए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में संशोधन कर इसकी अवधि को कब तक के लिए बढ़ाया गया। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों यह क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना है, इसकी अवधि को संशोधित कर दिया गया है और इसे कब तक के लिए बढ़ाया गया है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, तो दोस्तों सोलर पंप से यह संबंधित है। जो आपको मालूम होगा जो इरीगेशन किया जाता है फसलों में, उसके लिए आवश्यकता होती है एक विद्युत पंप की, और अगर जिन राज्य जिन एरिया में दूर दराज के क्षेत्रों में विद्युत उपलब्ध नहीं है वहाँ पर किसानों का खर्चा और अधिक बढ़ जाता है, उन्हें डीजल इंजन का प्रयोग करना पड़ता है, और आपको मालूम है वर्तमान में डीजल और पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ी हुई हैं। तो इसी तरीके की योजना शुरू की गई थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना। अब आज का आपका एक काफी इंपॉर्टेंट होमवर्क है दोस्तों, मैं मान रहा हूं यह क्वेश्चन टफ है इसलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आपको यह जानकारी निकालना है, चाहे इंटरनेट से निकालें चाहे कहीं से निकालें। इसमें क्या होगा, आप थोड़ा आपका माइंड अभ्यस्त होगा इस तरीके के क्वेश्चन को डील करने में। तो आज का आपका यही होमवर्क है कि आपको सर्च करना है कि जो मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना है मध्य प्रदेश में कब शुरू की गई थी। तो आज के इसको देखते हैं क्वेश्चन का, कब तक के लिए अवधि बढ़ाई गई है, 2024, 2025, 2023 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक, 2024 तक के लिए अवधि बढ़ाई गई है किसकी, मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की। तो इसको तो आपको ही बताना होगा, अगर आप नहीं बताएंगे तो कल मैं आप लोगों को 101% बता ही दूंगा। अवधि की चर्चा की हमने, 2024 तक इसे बढ़ा गया। तो एक और योजना है इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग सभी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं दोस्तों, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर एमपी की अवधारणा शुरू की गई थी, और इसे कब प्राप्त कर लिया जाएगा, 2023 तक। तो इसको भी याद रख लीजिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को 2023 तक इसे प्राप्त कर लिया जाएगा। दोस्तों आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप था इसे कब लागू किया गया था, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 12 नवंबर 2020 को, याद रखना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप है जब कब लागू किया गया था, 12 नवंबर 2020 को लागू किया गया था। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की एक कमेटी भी गठित की गई थी दोस्तों, उसके अध्यक्ष कौन है, जय श्री कियावत, याद रखिए जय श्री कियावत को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो कमेटी है उसका अध्यक्ष बनाया गया है, जो समिति बनाई गई है उसका अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। 2025 दोस्तों क्या है, 2025 में दोस्तों भारत सरकार ने रखा है किसका उन्मूलन दोस्तों, टीबी का उन्मूलन, याद रखिए दोस्तों टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस जिसके नाम से हम जानते हैं, इसके उन्मूलन की डेट रखी गई है भारत से 2025 में इसे भारत से उन्मूलन कर दिया जाएगा। दोस्तों टीबी को महामारी का दर्जा कब दिया गया था आपके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1993 में दिया गया था। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें सीधा सीधा दिया गया है रोग और रोगों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर बनाए जा सकते हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे वहां पर पूछे भी जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में संशोधन किया गया है, राज्य में कृषि प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की अवधि में मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। सोलर पंप के उपयोग से प्रदेश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकेगा, इस योजना में राज्य के सभी कृषक पात्र हैं, यह योजना प्राथमिकता पर प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाएगी जहां विद्युत वितरण की जो आवश्यकता है वह अधोसंरचना नहीं है। इस योजना में 5 HP DC पंप ही प्रयोग किए जाएंगे और उससे अधिक क्षमता के दोनों AC व DC पंपों का प्रयोग किया जा सकेगा। दोस्तों चर्चा हुई है कृषि की, तो इसको बता देता हूँ दोस्तों, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा कृषि का आर्थिक सर्वेक्षण कब लागू किया जारी किया गया था, 2012 में प्रथम ऐसा राज्य था मध्य प्रदेश जिसने का अलग से आर्थिक सर्वेक्षण लागू जारी किया गया था, और यह कब किया गया था, 2012 में किया गया था। कृषि से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं, मध्य प्रदेश का दोस्तों आलू,
अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ग्वालियर में, याद रख लीजिए। मध्य प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ग्वालियर में दोस्तों। मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी और कब की गई थी? 1964 में की गई थी। JNU जिसे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जगह कौन सी है? मध्य प्रदेश की संस्कृत राजधानी जबलपुर में है दोस्तों। जबलपुर में ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं का अनुसंधान केंद्र है। कौन सा अनुसंधान केंद्र है? मक्का और साथ में गेहूं अनुसंधान केंद्र का अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जबलपुर में। और ओनली गेहूं का अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? वह है आपका पावरखेड़ा होशंगाबाद में, तो इसको आपको याद रखना। और दोस्तों होशंगाबाद में ही दोस्तों दानेदार खाद निर्मित करने का संयंत्र भी कहां पर है? होशंगाबाद में ही दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट होशंगाबाद से संबंधित आपको बता देता हूं। यहां का जो बाबई है दोस्तों, जहां पर माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था, तो यहां के बाबई को दोस्तों औद्योगिक रूप से डेवलप किया जा रहा है, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहीं पर ऑक्सीजन संयंत्र भी लगाए जाएंगे, जो ड्रग्स हैं वह भी यहां पर निर्मित किए जाएंगे, जो जीवन के लिए बचाव के लिए जो भी दवाइयां हैं ड्रग्स, उनका निर्माण कहां पर होगा? होशंगाबाद के बाबई में ही होगा। और यहीं पर जन्म हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी जी का, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कृषि संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैविक कपास, याद रखना है। क्या नाम है दोस्तों? जैविक कपास। क्या बोलते हैं दोस्तों? जैविक कपास। इसका जो अनुसंधान केंद्र है वह कहां पर है दोस्तों? खंडवा, याद रखिए खंडवा। और ओनली कपास और मूंगफली अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछा जाता है, अगर जैविक शब्द जुड़ता है तो आपको लगाना है खंडवा, और अगर ओनली आपसे पूछता है कपास अनुसंधान केंद्र या मूंगफली अनुसंधान केंद्र, तो कहां पर है? खर गोन में है। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। एक खंडवा में है, जिसको जैविक बोलते हैं वह खंडवा में है, और जो बिना जैविक का है उसे कहां पर है? वह है खरगोन में, तो यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। धान अनुसंधान केंद्र कहां पर है मध्य प्रदेश में? यह भी आपको बता देता हूं, यह है दोस्तों बड़वानी में, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। कृषि से लगभग जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे मैंने अधिक से अधिक बताने की आपको यहां पर कोशिश की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर रहा, पाँचवें स्थान पर रहा, छठवें स्थान पर रहा? तो उसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश रहा चौथे स्थान पर वैक्सीनेशन के मामले में। और 21 तारीख को आपको मालूम है विश्व योग दिवस पर मध्य प्रदेश में लगभग 17 से 16 लाख वैक्सीन लगाई गई थी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में भारत ने हमारे किसको पीछे छोड़ दिया है? अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है वैक्सीनेशन के मामले में, इतनी तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है दोस्तों। और सभी से मेरी गुजारिश है, जिन जिन लोगों ने भी अभी वैक्सीनेशन नहीं कराया है सभी जाइए दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इससे हम तीसरी लहर को, आने वाली लहर को रोक सकते हैं। कोरोना संक्रमण में मध्य प्रदेश देश के समस्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस स्थान पर है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 32 स्थान, 29 स्थान, 28वें स्थान, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहां पर चर्चा की गई है समस्त राज्यों अर्थात केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल है, तो मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है दोस्तों? 32वां स्थान है। और दोस्तों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट स्थान की बात हुई है, तो जितने भी स्थान है मध्य प्रदेश के वह मैं आपको बता देता हूं। 2011 की जनगणना के हिसाब से दोस्तों शिक्षा के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है दोस्तों? 28वां स्थान है। इसके बाद आपको बता देता हूं क्षेत्रफल के मामले में दोस्तों मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है दोस्तों, याद रखना है मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और मध्य प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? क्षेत्रफल में दोस्तों मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, तो यह भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको भूलना नहीं है। चलिए देखते हैं पूरी न्यूज़ को, मध्य प्रदेश में तीसरी लहर की आहट भी हो तो सुनाई देना चाहिए। देखते हैं कोरोना संक्रमण में मध्य प्रदेश 32वें स्थान पर, वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश देश में चौथे स्थान पर। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति व वैक्सीनेशन कार्य की समीक्षा की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा जल संरक्षण जागरूकता गीत की सीडी का विमोचन किया गया? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है जल संरक्षण साक्षरता जो गीत है दोस्तों, इसकी जो सीडी है उसका विमोचन किया गया है, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री जी द्वारा, राज्यसभा सांसद संपिता उइके द्वारा, दोनों सही, या फिर राज्यपाल द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है दोस्तों, अर्थात दोनों के द्वारा, इसका ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर दोस्तों। तो यह जो सीडी है यह किसके द्वारा जारी की गई है? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और राज्यसभा सांसद कौन है? संपिता उइके। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 अर्थात दोनों के द्वारा इसे जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जल संरक्षण पर आधारित जागरूकता गीत किसके द्वारा गाया गया? आपका ऑप्शन नंबर 1 अग्नि वर्मा द्वारा, सत्येंद्र सिंह द्वारा, कुंवर बेचैन द्वारा, या फिर भूरी बाई द्वारा। तो यह दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? अवनी वर्मा द्वारा यह जो गीत है इसे गाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? अवनी वर्मा द्वारा इस गीत को गाया गया है। किसके द्वारा? अवनी वर्मा द्वारा जल संरक्षण पर आधारित जागरूकता गीत को गाया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अवनी वर्मा जल संरक्षण पर आधारित जागरूकता गीत की गायक है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? यह मध्य प्रदेश के मंडला जिले से है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 यह मध्य प्रदेश के मंडला जिले से आती है। पूरा न्यूज को देखते हैं, मुख्यमंत्री ने किया
संरक्षण जागरूकता गीत की सीडी का विमोचन। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्यसभा सांसद संपदा उइके के साथ मंडला जिले की बिटिया अवनी वर्मा के जल संरक्षण पर आधारित जागरूकता सीडी का विमोचन किया। सीडी विमोचन के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अवनी को आशीर्वाद देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना दी और अवनी वर्मा मंडला जिले की उभरती हुई क्या है, गायिका है। तो आज के आपके क्वेश्चन, प्रदेश में बन रही नई फार्मा नीति का बिंदु क्या होगा। सेकंड आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में ब्लैक फंगस की दवा का शुभारंभ किया गया। और थर्ड आपका है, किसके द्वारा ब्लैक फंगस की दवा एम्बो फोरेवा बी के जबलपुर निर्माण का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।